माननीय अध्यक्ष जी 4949 माननीय उत्तर आ गया बिराजो उत्तर आ गया पूरे प्रकार माननीय अध्यक्ष जी उत्तर तो आया है उसके लिए तो धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष महोदय हाँ बोलो मेरा आपसे आग्रह रहेगा ये सवाल के उत्तर हमें सुबह मिलते हैं जब घर से निकलते हैं जब मिलते हैं तो पढ़ने का समय नहीं होता मैंने यहाँ पढ़ा है फिर भी आपके माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा थोड़ा सा जल्दी मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहे। मैंने अभी पढ़ा है तो इसमें इन्होंने कहा है कि अनुबंध की अवधि 7 वर्ष है और जो एनेक्सर लगाया है उसमें सब 8 वर्ष लिखा हुआ है। एक तो ये दूसरा इन्होंने दो ये लिखा है कि भी ये जो आर ओ प्लांट जो उनकी जो संचालन है उसकी जगह शायद संचालन की जगह पूर्ण लिख दिया कि भी इनको पूर्ण गवर्निंग और दो ऐसे हैं कि कार्यादेश तो हो गए 12/2/2017 में माननीय मंत्री महोदय और कार्य चालू हुआ है मतलब उसके एक साल बाद मतलब कार्यादेश बाद में हुआ है एक साल और कार्य चालू हो गया एक साल पहले ये जवाब में आया इसलिए थोड़ा सा मेरा एक निवेदन रहेगा कि ये 2-3 चीज़ें मैंने अभी पढ़ी है यहाँ आकर के पढ़ी है क्यों मैं जब रास्ते में आ रहा था तो वैसे एक जानकारी दे दो वैसे प्रश्न का उत्तर रात्रि तक पहुँचाने का व्यवस्था कर रखी है कल बरसात जो है बहुत पूरे जयपुर में तेज थी इस कारण से हो सकता है आपको लेट मिला। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 2 दिन पहले मिल जाए तो हम पढ़ लें अब थोड़ा सा आपके नोटिस में ये डालना था इसमें एक तो ये है कि 8 वर्ष से माननीय महोदय आपने लिखा है 7 वर्ष क्योंकि अवधि सारी 8 वर्ष की है और इसी में आपने ही मेंशन किया है इसलिए मेरा एक तो निवेदन आपसे ये है कि या क्या बंद पड़े आर ओ संयंत्र को सरकार चालू करने की विचार रखती है क्योंकि ये लगभग आपने बताया है कि 68 आर ओ ऐसे हैं जो बंद हो गए और 26 आर ओ ऐसे हैं जो अभी चालू हैं क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा लग गया 12 करोड़ 25 लाख रुपए लगा हुआ है और इसमें अभी वो अच्छी स्थिति में है इसलिए क्या सरकार इसको चालू करने का इरादा रखती है और जो बंद हो गए उनका ऑपरेशन करेगी या वो वहीं पड़े रहेंगे तो ये आपसे मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो प्रश्न में 7 वर्ष 8 वर्ष जो बोला है मैं बैठ के कर लूँगा अगर उनमें 1 वर्ष कहीं बाकी होगा तो उनको रेगुलर हम चालू करेंगे। अगर दूसरी चीज जो ये लगभग 94 आर ओ थे इनमें से वर्तमान 68 आर ओ संयंत्र बंद है आर ओ संयंत्र स्थापित समस्त इंदिरा गांधी नहर आधारित वृद्ध पेयजल परियोजना से लाभान्वित हो जाने में उक्त आर ओ संयंत्र का 7 वर्ष से अनुबंध अवधि समाप्त होने के कारण बंद है। जी हाँ ये अनुबंध संयंत्र स्थापित करने के पश्चात 7 साल का संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं होने का बंद किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ चरण के अंतर्गत स्थापित 92 संयंत्रों को विभागीय नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है तथा तृतीय चरण के 2 आर ओ संयंत्र को अनुबंध की शर्तें अनुसार कार्यकारी फर्म को सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। मान्य सदस्य मेरा अध्यक्ष जी दूसरा सप्लीमेंट्री ये है अभी तो प्रस्तावित है मेरा निवेदन ये है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मंत्री महोदय मैं भी आ जाऊंगा मीटिंग बुलाएंगे तो कर लेंगे। मेरा दूसरा ये है कि इस जवाब में इन्होंने ये कहा है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि पानी तो आ गया ये बात सही है और सरकार कोशिश भी कर रही है लेकिन हमारा 40 MLD हमारे को अलॉट है उसमें से 28 MLD हमें पानी मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का 32 है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का कम है लगभग 22 MLD के करीब पानी मिल रहा है तो पानी भी नहीं आ रहा है आर ओ भी बंद हो गए तो मेरा आग्रह है कि भाई वो जो हमारा बाकी 12 MLD पानी है उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी क्योंकि इस जवाब में आया है तो मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा सा इसको आप क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं अच्छे इंसान हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा 12 MLD पानी है आप भी अच्छे हैं ये अच्छे हैं आप भी अच्छे हैं। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय बताएंगे माननीय सदस्य का सही कहना है कि अभी हमें जितना पानी मिलना चाहिए था उतना पानी वहाँ से हम राजस्थान कैनाल से ले नहीं पा रहे हैं उसके लिए हमने जो भी टेंडर्स लगाए हैं कोई सिस्टम में मोटर बनाना पंप हाउस बनाना या उनके हेड रेगुलेटर के अंदर लिए हमने टेंडर लगा दिए वो पूरा पानी नागौर और डीडवाना के सभी विधानसभाओं में पूरा हम आने वाले 6 महीने के अंदर उसकी व्यवस्था करके देंगे। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हो कि अभी इनका ये सही स्थिति में है तो आप से निवेदन है कि आप बैठ के अगर कोई ग्राम पंचायत इनको लेना चाहती हो उनको हम हैंड ओवर कर सकते हैं
या विभाग इस पर विचार कर रहा है कि इसका किस तरह से दोबारा इसका ओंडम हम किसी कंपनी को देते हुए दोबारा जहां आप बताओगे जिन गांवों के अंदर जहां आवश्यकता है, क्योंकि ये आरओ लगभग पर आवर 20 लीटर को 10 पैसे या 20 पैसे इन्होंने इसमें निश्चित अलग अलग दरें कर रखी थी, तो कई जगह पे कई गांव वाले उसमें वो जो कार्ड लगाना वो नहीं था, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, गांव वाला चाहे तो उसको फ्री में भी चला सकते हैं, उसके लिए संधारण के लगभग 94 है, हमने मोटा मोटा इनका निकाला, ओंडम का 52,000 रुपये पर ईयर एक का खर्चा आता है, तो जितना भी विभाग उसको वहन करने के लिए तैयार है, बाकी उसको चलाने के लिए जो भी हो कोई व्यवस्था हो आप हमें बता देना, बिल्कुल 100% इनको जनता के। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न गौतम, संख्या 300।